क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी कागज़ उद्योग, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। तो एक का उत्तर होगा ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 2, लौह अयस्क है। ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी जैव संसाधन, ऑप्शन डी मानवकृत संसाधन। तो 2 का आंसर होगा बी अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए यूरेनियम के साथ, ऑप्शन बी कोयला के साथ, ऑप्शन सी खनिज तेल के साथ, ऑप्शन डी चूना पत्थर के साथ। तो 3 का आंसर होगा सी खनिज तेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी कल्पकम, ऑप्शन सी नरोरा, ऑप्शन डी कैगा। 4 का उत्तर हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए जे के सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी रेमंड वस्त्र उद्योग। 5 का उत्तर हो जाएगा डी रेमंड वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 6, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। छो का आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गया। 7 का आंसर हो जाएगा सी पटना। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वाशिंगटन। 8 का उत्तर हो जाएगा ए जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 9, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? ए चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी गांधी इरविन पैक्ट, ऑप्शन डी किसान आंदोलन। 9 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 10, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? ऑप्शन ए दिल्ली यात्रा, ऑप्शन बी चंपारण यात्रा, ऑप्शन सी दांडी यात्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। 11 का उत्तर हो जाएगा सी चीन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? 12 का उत्तर हो जाएगा डी राष्ट्रीय जनता दल। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 13 का आंसर हो जाएगा सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 14, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? 14 का आंसर हो जाएगा सी बंगला। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? 15 का आंसर हो जाएगा बी लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? 16 का आंसर हो जाएगा ए एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? 17 का आंसर हो जाएगा सी चीनी उद्योग।
क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 18 का आंसर होगा ए 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? 19 का आंसर होगा ए धात्विक। क्वेश्चन नंबर 20, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है? 20 का आंसर हो जाएगा डी 25.5%। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? 21 का आंसर होगा बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? 22 का आंसर होगा ए बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संघ सरकार का उदाहरण है? 23 का आंसर होगा ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 24 का आंसर होगा डी 1990 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 25, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? 25 का आंसर होगा ए पेड़ बचाने से। क्वेश्चन नंबर 26, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? 26 का आंसर होगा ए बिहार से। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? 27 का आंसर होगा ए ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 28, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? 28 का आंसर होगा सी बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? 29 का आंसर होगा ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? 30 का आंसर होगा सी सुनामी। क्वेश्चन नंबर 31, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? 31 का आंसर होगा सी उच्च भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? 32 का आंसर होगा ए कोसी। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? 33 का आंसर होगा बी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 34 का आंसर होगा डी 2003 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? 35 का आंसर होगा ए मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 36, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 36 का आंसर होगा डी 2019 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? 37 का आंसर होगा डी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? 38 का आंसर होगा सी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 39, रेल वर्कशॉप स्थित है? 39 का आंसर होगा ए जमालपुर में। क्वेश्चन नंबर 40, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? 40 का आंसर होगा बी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 41, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? 41 का आंसर होगा बी जेम्स वाट ने। क्वेश्चन नंबर 42, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 42 का आंसर होगा सी 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 43 का आंसर होगा बी नवंबर 1917 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 44, मार्टिन लूथर कौन थे? 44 का आंसर होगा सी, धर्म सुधारक। क्वेश्चन नंबर 45, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 45 का आंसर होगा ए, 10.86%। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? 46 का आंसर होगा सी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 47, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 47 का आंसर होगा सी, 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? 48 का आंसर होगा ए, महापौर।